कन्नौज के थाना विशुनगढ़ क्षेत्र के ग्राम धीरपुर निवासी विजय भान उर्फ डिप्टी यादव की हत्या कर दी गई, जिसकी लाश 18 अक्टूबर को गांव के ही सरदामई बाग के पास मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और पुलिस ने जब इस मामले की बारीकी से जांच की तो पता चला कि मृतक विजय भान उर्फ डिप्टी यादव शराब पीकर घर में उत्पात मचाता था तथा अपनी बेटी व पुत्र के साथ गाली गलौज करता था। इसी बात से परेशान मृतक विजय भान उर्फ डिप्टी यादव का बेटा सोनू उर्फ विवेक ने अपने पिता विजय भान उर्फ डिप्टी यादव की मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले से बचने के लिए सोनू उर्फ विवेक ने अपने दोस्त नरेंद्र पुत्र स्वर्गीय हरभान के साथ मृतक के शव को सरदामई कब्रिस्तान वाले बाग में सिन्हौर के पेड़ के नीचे झाड़ियों में छुपा दिया। पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए दोनों ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है। कन्नौज से एसके इंडिया न्यूज के लिए आलम कुरैशी की रिपोर्ट। विष्णुगढ़ में एक धीरपुर गांव में डिप्टी यादव उर्फ विजय भाई, इनकी डेड बॉडी मिली थी एक पेड़ के पास बंधी हुई, और उसमें ये FIR दर्ज कराई गई थी कि इसकी हत्या की गई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रेंगुलेशन आया भी था, लेकिन जो बॉडी की पोजीशन थी उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन किया गया है। इसमें 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, इसकी विवेचना हुई, डिजिटल साक्ष्य भी एकत्र किए गए, उसके आधार पर अल्टीमेटली उसका लड़का जो है वही संदेह के घेरे में था और उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसे पूछताछ में उसने कबूल किया है कि उसका पिताजी शराब पीने का आदि था और शराब पी करके घर के पैसे की बर्बादी भी करता था और परिजनों के साथ मारपीट गाड़ी गुलाज और अभद्र हरकतें भी करता था। इससे तंग आ करके उसने गला दबा करके अपने पिता की हत्या कर दी थी। ये 28 तारीख की घटना थी। फिर उसने अपने एक गांव के ही उसके चाचा लगते हैं, तो इसका नाम नरेंद्र है, नरेंद्र सिंह, तो उसके साथ मिल करके उसने डेड बॉडी को वहाँ ले जा करके और सिम क्रिएट किया। फिर दूर से निगरानी भी करता रहा कि कोई देखे उसको। फिर 21 तारीख को इन लोगों ने खुद ही सूचना दी कि उसका डेड बॉडी वहाँ पर बरामद हुआ है, और इस प्रकार से उसने कन्फेस किया है घटना में बड़ी शामिल था और नरेंद्र का इस्तेमाल शव को खिलाने लगाने में उसने किया था। दोनों की गिरफ्तारी की गई। ये बाग से जो बरामद वहाँ तक कैसे पहुँची ले करके गए थे ये नरेंद्र और जो इसमें मुख्य आरोपी है उसका पुत्र विवेक, जो मृतक का ही लड़का है, ये दोनों लेकर के गए।